करोड़ रुपए की परमिशन में हजारों हरे भरे वृक्षों की हत्या का मामला धार जिले के मनावर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि मनावर तहसीलदार सीएस धारवे ने नीम की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। लकड़ी माफिया ने बताया कि राजस्व विभाग व वन विभाग ने नीम काटने की परमिशन दी है, जिसके बाद ट्रक को छोड़ दिया गया। मनावर कुक्षी विधानसभा में लकड़ी माफिया हरे भरे पेड़ों की लगातार हत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा वृक्षारोपण के ऊपर किए जा रहे करोड़ों रुपए बेकार जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुक्षी के नायाब तहसीलदार व वन विभाग ने लकड़ी माफियाओं को हरे भरे सैकड़ों नीम काटने की इजाजत दी है। इन माफियाओं द्वारा कुक्षी से मनावर की ओर लाए जा रहे लकड़ी से भरे ट्रक को मनावर तहसीलदार चंद्रशेखर धारवे ने पकड़ा, जहां माफियाओं ने कुक्षी नायाब तहसीलदार व वन विभाग की परमिशन बताई। 500 रुपए की परमिशन पर सैकड़ों नीम के पेड़ों की हत्या की गई। प्रशासन के अधिकारियों को पर्यावरण की चिंता नहीं है। साथ ही इस मामले में मनावर तहसीलदार ने पंचनामा बनाकर ट्रक को आखिर में छोड़ दिया है। ये सूचना के आधार पर इसकी जांच की गई है। संबंधित ट्रक किसी से लकड़ी लेके चला है, जिसका दस्तावेज परीक्षण किया गया। इनके पास में दस्तावेज हैं। न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार कुक्षी का आदेश है, जिसके आधार पे कुक्षी वन परिक्षेत्राधिकारी ने इनको डीपी जारी की है। इनके पास सक्षम दस्तावेज है, इसलिए इनको जो है परमिशन होने के कारण इनको उनके गंतव्य स्थान पर रिलीज किया गया। चूँकि ये कुक्षी क्षेत्र का मामला है, किस तरह के वृक्ष थे ये जांच उन्हीं के द्वारा की जाने पे पता लगेगा, इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा। धार के मनावर से अंकित शुक्ला, अंश की रिपोर्ट।